हे किड्स वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रींस दिस इज योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे आपके टेस्ट सीरीज टू के क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस येस इन्वायरमेंटल स्टडीज के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपको मिलने लगे होंगे हमने कल किए थे टेस्ट पेपर सीरीज वन के आंसर डिस्कस और आज करेंगे टेस्ट पेपर टू सीरीज के सेकेंड पेपर के आंसर्स डिस्कस ओके सो अब आप अपने अपने सारे जो भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं अपनी कॉपी पेन सब निकाल के बैठ जाए क्योंकि हम सबको क्या करना है अपने आंसर्स चेक और ये देखना है चिल्ड्रन कि आपने सही लिखा था कि गलत लिखा था गलत भी लिखा था कोई बात नहीं क्योंकि आपके पास में है अभी भरपूर टाइम और प्रिपेयर करो और चैप्टर्स ढंग से पढ़ो और सारे वीडियोस थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखो आपको क्वेश्चंस जरूर बन पाएंगे ओके और इस वाले फ्रॉम सेवन टू ट्वेल्व टेकन तो आप अपनी बुक में चेक कर लो कि चैप्टर से हैं एंड द क्वेश्चन स ओनली ओके तो आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये चैप्टर से पूछे गए हैं तो उससे पहले आपने ये चैप्टर आई होप कवर किया होगा प्रिपेयर किया होगा तभी तो ये क्वेश्चन के आंसर्स बने होंगे तो अब करते हैं आंसर डिस्कस और देखो चिल्ड्रन की आपने कौन कौन से सही किए थे जो गलत किए थे वो आप गलत मार्क करते चले जाओ एंड देन आफ्टर द वीडियो स्टार्ट सॉल्विंग इट करेक्टली ओके सो लेट्स बिगेन द क्लास ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू चिल्ड्रन की इफ इन द क्वेश्चन पेपर कम्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दैट मींस के आंसर विल बी ओनली इन वन वर्ड फॉर्म और मैक्स टू मैक्स इन अ वन लाइन ओके यूजुअली तो क्या होता है कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका सिर्फ एक नाम का ही होता है और इसलिए इसको क्या कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ओके तो उसके अंदर क्या क्वेश्चन आया था

सो so फाइव कैसे कैसे होता है आपके पास क्या है इयर्स है ओके सो द सेंस ऑर्गन इज वॉट योर ईयर्स ओके कान कान से हम क्या करते हैं वी हेर ओके हम सुन पाते हैं सेकेंड सेंस ऑर्गन क्या है आपके पास में आईज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। आज आप जो ये वीडियो देख पा रहे हो वो क्यों देख पा रहे हो बिकॉज वी हैव गॉट द सेंस ऑर्गन इन विच यू हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंट योर आईज देन थर्ड क्या होता है चिल्ड्रन थर्ड होता है चिल्ड्रन नोज ओके नोज से हम क्या करते हैं हम स्मेल करते हैं कुछ गंदी स्मेल आ रही है तो हमें पता चल जाता है बहुत अच्छी किसी कुछ चीज़ बन रही खुशबू आ रही है तो हमें पता चल जाता है फोर्थ क्या होता है चिल्ड्रन फोर्थ होता है आपका टंग टंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है तभी तो हमें पता चलता है कि जंक फूड के खाने का टेस्ट कैसा है अच्छा है कि बुरा है एंड द लास्ट वन इज चिल्ड्रन योर स्किन वाईज स्किन बिकॉज स्किन इज यूज टू फील ओके हॉट कोल्ड हमको फील करने के लिए हमारे पास कौन सी सेंस ऑर्गन है स्किन है ओके okay? सो so, देख सकते हो आप ओवरऑल हाउ मेनी सेंस ऑर्गन आर देयर फाइव एंड दैट इज वाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइव ओके सो चेक कर लो और आगे बढ़ो हाउ are there इन रेनबो रेनबो में कितने colors होते हैं? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था चैप्टर के टाइम पे भी कि रेनबो में होते हैं सेवन कलर्स और इसको हम कहते हैं विबग्योर भी ओके okay, विबग्योर कैसे लिखते हैं children? वी आई बी जी वाई ओ आर ओके एंड देन इफ यू काउंट दीज वर्ड इट विल फोर फाइव सिक्स सेवन और इसी के अंदर छुपे हैं फॉर इंटिगो बी फॉर ब्लू जी फॉर ग्रीन वाई फॉर येलो ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड ओके सो ये होते हैं सेवन एंड दैट इज वाई द आंसर इज सेवन चिल्ड्रेन ओके क्स्ट क्वेश्चन वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू वॉटर प्लांट्स ओके हमने पढ़ा था ये चैप्टर में हमें प्लांट्स को क्या देना पड़ता है वॉटर देना पड़ता है और क्यों देना पड़ता है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू वॉटर द प्लांट बिकॉज इट हेल्प प्लान टू ग्रो इट हेल्प प्लान टू ग्रो चिल्ड्रन क्योंकि अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे वो मर जाएंगे सूख जाएंगे ग्रो नहीं करेंगे तो जिस तरह से फूड एंड वाटर इज गुड फॉर अस इट इज़ नीडफुल फॉर अस बिकॉज वी वांट टू ग्रो इन सिमिलरली वे प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू ग्रो सो ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन पेड़ों को पानी क्यों चाहिए पेड़ों को पानी इसलिए चाहिए टू ग्रो ओके सो आप चेक कर लो इसका आंसर आपने यही लिखा है क्या एंड देन आगे बढ़ो used to नीड eating bananas और वो पेड़ के पास जाके देखता है कि banana ट्री इज ड्रूपिंग वो तो सूख रहा है वो तो गिर रहा है फिर वो क्या करता है वो जाता है पौन में और अपने ट्रंक में भरता है पानी और जल्दी जल्दी आके बनेना ट्री को क्या करता है पानी से पूरा भर देता है पूरा पानी पेड़ पे डाल देता है सो द आंसर इज क्वेश्चन इज वाई डिट अपू नीड वॉटर अपू को पानी क्यों चाहिए था Okay, क्योंकि उसको tree को पानी डालना था इसलिए तो वो पानी भर रहा था अपने ट्रंक में और इसलिए इसका आंसर है Appu water to नीडेड the टू tree द Remember ट्री चिल्ड्रन रिमेंबर इट Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज इन द किचन अब आपको क्या बताना है किचन में हम कौन सा अप्लायंस यूज करते हैं विच इज इलेक्ट्रिकल बहुत सारे होते हैं मिक्सर होते हैं अवन होता है माइक्रोवेव होता है होता है कि नहीं होता है तो आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो और आपने लिखा भी होगा आई एम श्योर मैंने क्या आंसर लिखा है मैंने लिखा है माइक्रोवेव आपको ने अगर कुछ और लिखा है और इफ इट इज करेक्ट तो आप क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं ओके सो माइक्रोवेव इज द आंसर हियर देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब ये क्या है थोड़े से बड़े हैं ओके वेरी शॉर्ट क्या था वन वर्ड ना शॉर्ट टाइप में क्या है? थोड़े बड़े हो सकते हैं ओके वन लाइनर से थोड़े बड़े हो सकते हैं डू यूटेंसिल्स वुडन हैंडल्स ओके ये कौन सा चैप्टर है व्हाट्स कुकिंग और व्हाट्स कुकिंग में क्या था यूटेंसिल्स में लकड़ी के हैंडल्स क्यों होते हैं सोचो सोचो मम्मा जब यूटेंसिल्स यूज करती हैं सो शी होल्ड्स दूटेंसिल्स फ्राम दी हैंडल और हैंडल कैसा होता है लकड़ी का होता है क्यों होता है खुद से दिमाग लगाओ क्यों होता होगा सो द आंसर इज बिकॉज वुडन हैंडल्स डो नॉट गेट हीटेड वाइल कुकिंग येस चिल्ड्रेन जो लकड़ी के हैंडल्स होते हैं तो जब आप अपने स्टोव में रखते हो गैस पे रखते हो तो उसकी हीट से क्या चीज गरम नहीं होती है बर्तन तो पूरा गरम हो जाता है बट जो वुडन हैंडल होता है चिल्ड्रन वो हीटेड नहीं होता इट नॉट गेट हीटेड अप तो क्या होता है कि अगर कुछ उतार के रखना पड़े या होल्ड करना पड़े तो यू कैन होल्ड इट इजिली ओके एंड दैट इज वाई द आंसर इज बिकॉज वुडन हैंडल्स डू नॉट गेट हीटेड वाइल कुकिंग दैट इज वाई यूटेंसिल्स वुडन हैंडल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच गिव्स मोर स्मोक फ्रॉम द फ्लेम अ गैस स्टोव और अ कोल चूल्हा ओके क्या चीज आपको सबसे ज्यादा स्मोक देती है आप खुद सोचो आपके घर का गैस स्टोव, ओके जिसमें आपकी मम्मा खाना बनाती हैं, या फिर कोल चूल्हा कोल की सिगड़ी कोयले की सिगड़ी क्या चीज सबसे ज्यादा आपको स्मोक देगी सो चिल्ड्रेन इज अ कोल चूल्हा ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में क्या फैलाता है पल्यूशन फैलाता है गंदगी फैलाता है ओके okay, गंदा गंदा धुआं फैलाता है बट गैस स्टोव में ऐसा कुछ होता है क्या एवरी वन इज द गैस स्टोव एट होम तो आपने देखा है कुछ ऐसा धुआं निकलते हुए नहीं ना तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए इसका अकोल चूल्हा ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द पोएम आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर केन नॉट हियर वॉट डज अ सिस्टर लाइक टू डू याद आया यस yes, ये क्वेश्चन है सेंग विदाउट स्पीकिंग का और उसमें क्या था आई हैव अ सिस्टर एंड माई सिस्टर कैन नॉट हियर ओके यू रिमेंबर द पोएम और उसमें क्या था वॉट डर लाइक टू डू सिस्टर को क्या करना अच्छा लगता था तो याद करो उसकी सिस्टर को प्यानो बजाना अच्छा लगता था ओके सिस्टर लाइक्स टू प्ले प्यानो ऑल राइट चिल्ड्रन सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट सी हाउ मनी ऑफ यू है राइट आंसर वॉट इज द मोस्ट कॉमन पार्ट इन ऑल वहीकल्स सारे व्हीकल्स जितनी भी गाड़ियां दौड़ती हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या होती है जो आप बहुत सारी गाड़ियों में वो चीजें तो देखते ही हो पक्का से वॉट ऑल थिंग्स ब्रेक्स विदाउट ब्रेक्स कैन यू स्टॉप द कार कैन यू स्टॉप यूर व्हीकल नो सो ब्रेक्स आर कॉमन इन ऑल सॉर्ट ऑफ वेहीकल्स देन टायर्स बिना टायर से कोई गाड़ी चलेगी क्या Nahina, then seats or bina seats ke how will you sit in your car, right? So seats, tires, and brakes. These things are common in all types of vehicles, children. Okay, moving to the next question. Name some vehicles which do not run on wheels. अब मैम ने तो अभी कहा था कि केविकल्स में कॉमन चीज होती है टायर्स तो ये क्वेश्चन कहां से आ गया सो so, चिल्ड्रेन ये क्वेश्चन है कुछ व्हीकल्स में जिसमें व्हील्स नहीं होते हैं दे डू नॉट रन ऑन व्हील्स आया कुछ समझ में इसका आंसर क्या होना चाहिए शिप्स एंड बोट्स children क्या होना चाहिए इसका आंसर शिप्स एंड बोट्स आर द not रन ऑन व्हील्स ओके शिप्स एंड बोट्स आर द व्हीकल्स विच do नॉट रन ऑन व्हील्स क्योंकि वो तो पानी में जाते हैं वो पानी में सेल करते हैं और इसलिए उनको व्हील्स की कोई जरूरत नहीं है ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये क्या है थोड़े बड़े हैं ओके नाउ वॉट इज ट्रांसपोर्टेशन वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूविंग पीपल और थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो कैन यू मूव एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नो सो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट वॉट डू यू मीन बाई ट्रांसपोर्टेशन सिंपल डेफिनेशन इज मूविंग पीपल Or things from one place to another is known as transportation. Okay, so remember this line transportation means moving people or things from one place to another. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द थ्री मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या वो तीन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं चिल्ड्रन यस वाटर ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट क्या क्या होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट जिसमें क्या आता है शिप्स बोट्स एयर ट्रांसपोर्ट जिसमें क्या आता है हेलीकॉप्टर्स एयरोप्लेन जेट एंड लास्ट आपका लैंड ट्रांसपोर्ट जो रोड्स पे दौड़ते हैं लाइक ट्रक्स बसेस कार्स ऑटो रिक्शा स्कूटर ये सब क्या है लैंड ट्रांसपोर्ट है सो यू हैव थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर वाटर एंड लैंड चिल्ड्रन ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आर कॉल्ड आर हेल्पर्स हेल्पर्स क्या होते हैं ओके okay. कौन है हमारे हेल्पर्स सो डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट जॉब्स एंड प्रोवाइड सर्विस प्लम्बर गार्डनर टीचर डॉक्टर एक्सेट्रा हेल्पर्स कौन होते हैं अलग अलग लोग अलग अलग हमें क्या देते हैं सर्विसेस देते हैं हमारी मदद करते हैं जैसे प्लम्बर नल ठीक करने वाले गार्डनर आपके गार्डन को ठीक करने वाले माली टीचर जो आपको पढ़ाते हैं आपके टीचर्स और डॉक्टर द वन हु ट्रीट्स द पेशेंट्स ओके सो ये सब क्या है चिल्ड्रन ये सब हेल्पर्स हैं डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट जॉब्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल लाइक प्लम्बर गार्डनर टीचर डॉक्टर एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट फीचर्स ऑफ अ बर्ड ओके अब ये फ्लाइंग हाई का क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ अ बर्ड बताना है सो बर्ड के क्या क्या फीचर्स होते हैं चिल्ड्रन ऑल द बर्ड्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई ऑल द बर्ड्स है बर्ड्स हैंग्स एंड ऑल द बर्ड्स हैव क्लॉज ओके okay? तो ये क्या होते हैं फीचर्स होते हैं सभी बर्ड्स में ये तो होते ही हैं उनके पास में स्काई में फ्लाई हाई करते हैं बीक्स होती है उनके पास में उनके पास में पंख होते हैं और उनके पास में क्लॉज होते हैं जिससे वो क्या करते हैं कहीं उनको ट्री पे अगर खड़ा होना हो तो क्या करते हैं वो उससे ग्रैप करते हैं कसते हैं ओके okay? सो so, ये होते हैं फीचर्स ऑफ अ बर्ड सो प्लीज मैच योर आंसर चिल्ड्रेन डोंट जस्ट किब द क्वेश्चन जस्ट स्टार्ट मैचिंग योर आंसर वेदर यू हैव रिटर्न द राइट आंसर और नॉट एंड इवन इफ यू हैव नॉट राइट द आंसर प्लीज मेमोराइज द आंसर विथ मी ओके

पीपल हु के नॉट वर्क प्रॉपरली ओके जो लोग ढंग से नहीं चल पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं लेम ओके रिमेंबर दिस वर्ड लेम एंड पीपल हु केन नॉट सी नोन एज ब्लाइंड पीपल चिल्ड्रन ओके बी एल आई एन डी ब्लाइंड पीपल पीपल हु लैक वन और मोर बॉडी पार्ट्स जिसके पास में उन लोगों के पास में जिनके पास एक से ज्यादा बॉडी पार्ट नहीं होती है वॉट डू यू कॉल दैम यू कॉल देम हैंडीकैप पीपल ओके सो जस्ट चेक वेदर यू हैव मैच इट प्रॉपरली और नॉट ऐसे ही किया है कि नहीं नहीं किया है तो प्लीज सुधार लो चिल्ड्रन ताकि आगे आपको इस चीज का फायदा मिल सके ओके मूविंग टू नेक्स्ट ठीक okay, है? आपके क्वेश्चन में क्या था? Fill in the blanks था। तो सतविंदर okay, को ऑफ टी किसने दिया था तो किसने दिया था चिल्ड्रन उसको दिया था वर्कर ने जो चाय की टपरी में काम कर रहा था स्टॉल में काम कर रहा था उसने लाके दिया था कप ऑफ टी किसको सतविंदर को एंड दैट पर्सन इज नोन एज अ वर्कर सो इसका आंसर क्या होगा वर्कर होगा देखा तो वो पिक्चर में कि कुछ ग्रुप के लोग क्या हो रहे थे लेट हो रहे थे बट वो लोग कौन थे तो स्कूल के लिए कौन लेट हो रहा होगा अफकोर्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज लेट फॉर द स्कूल चिल्ड्रन ओके अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज लेट फॉर द स्कूल देन टीचर सैंडल इज ब्रोकन फिर हमने ये भी देखा कि टीचर की सैंडल क्या हो गई थी टूट गई थीट इट रिपेयर तो वो किसके पास जा रही है रिपेयर कराने के लिए तो अगर सैंडल टूट जाती है चप्पले टूट जाती है तो होम डू वी गो वी गो टू दी कॉबलर चिल्ड्रन दैट इज वाई द आंसर इज कॉबलर देन रामलू द डैश हैज कम हिज फ्रूट कार्ट ओके अपने फ्रूट कार्ट के साथ आया है रामलू तो फ्रूट कार्ट तो कौन होगा रामलू रामालू, तो रामालू है? The fruit seller, children. कौन है आपका द फ्रूट सेलर चिल्ड्रन कौन है ओके मैच करो अपने और देखो डैश हैज लेड बट ही नेम द डैश उसका नाम बताओ जिसने दुकान तो खोल ली है बट वो किसकी शेव करेगा

तवा कढ़ाई पॉट नन किस में भरते हो तवा में तो हम रोटी बनाते हैं कढ़ाई में तो हम सब्जी बनाते हैं पॉट या नन सो चिल्ड्रन पॉट ओके पॉट में प्रोपरली वाटर क्या हो जाता है फिल हो जाता है और इसलिए इसका राइट right आंसर क्या होगा पॉट होगा ओके सो जस्ट सी वेदर यू हैव टेक मार्क इन पॉट ऑप्शन और इन अदर ऑप्शन किया तो प्लीज कर लीजिए ओके मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन वाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं आयरन स्टील कॉपर या ऑल सो चिल्ड्रन बर्तन सभी तरह के बने होते हैं ओके okay, वो आयरन के भी होते हैं स्टील के भी होते हैं और कॉपर के भी होते हैं चिल्ड्रन और इसलिए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑल ओके okay. ओके सो ऑल द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मेकिंग चपातीज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कभी देखा है घर पे रोटियां बनते हुए और अगर देखा है तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप चिल्ड्रन इज इट रोलिंग आउट बॉल्स लोई बनाना टेकिंग आउट फ्लोर इन यूटेंसिल्स आटा बर्तन में निकालना नीडिंग अ डो आटा बनाना या कुक ऑन फायर या फिर फायर में आग में रोटी को सेकना विच इज द फर्स्ट स्टेप राइट चिल्ड्रन द फर्स्ट स्टेप इज पहले आटा तो निकालो बर्तन में टेकिंग आउट फ्लोर इन यूटेंसिल्स एंड दैट इज वाई द राइट आंसर इज टेकिंग आउट फ्लोर इन यूटेंसिल्स ओके नेक्स्ट ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट मेरे सर में क्या है क्रेस्ट है ऑल से आई डांस द बेस्ट और सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा डांस करता हूं कौन है पीकॉक parrot, ईगल या कुकू कौन है यस चिल्ड्रन पीकॉक जो है वही तो है हमारा पक्षियों का राजा और यही तो है जो बहुत सुंदर नाचता है ओके सो द राइट आंसर इज पीकॉक ओके नेक्स्ट एमसीक्यू डैश मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क कौन है जो अपनी नेक गर्दन को बैक आगे पीछे जर्क के साथ करती है कौन है स्पैरो है मैना है कुकू है कि नन है सो so रिमेंबर याद आया चैप्टर में हमने कौन से वाली बर्ड के बारे में पढ़ा था जो अपनी नेक को मूव करती है बैक एंड फोर्थ विथ जर्क सो द राइट आंसर इज योर इज वाई द ऑप्शन आर हियर विच इज मैना ओके चिल्ड्रन देन वॉट कुड यू सी वेन ए ट्रेन जब बारिश होती है तब आपको क्या दिखता है हाँ रेनबो तो दिखता ही है और क्या दिखता है रेनबो तो दिखता है मान गए थंडर दिखता है क्लाउड्स दिखते हैं या ऑल दिखता है सो चिल्ड्रन रिमेम्बर रेनबो तो दिख रहा ही है बट साथ में जब बारिश हो रही है तो क्या होंगे क्लाउड्स भी तो होंगे और फिर साथ में क्या होगा थंडरिंग होगी ओके okay? बिजली कड़केगी बिजली कड़क रही है ओके okay? तो हमको यहां पे कौन सा ऑप्शन सही करना चाहिए बताओ रेनबो ओके देन क्लाउड्स ओके एंड ऑल्सो थंडर तो राइट right आंसर क्या होगा इसका होगा ऑल बारिश में हमको ये सारी चीजें ही तो देखने को मिलती है और दैट इज वाई वेन इट रेन्स एवरी वन बिकम्स हैप्पी. ओके सो द राइट आंसर इज योर ऑल ओके रेनबो थंडर एंड क्लाउड्स ओके चिल्ड्रन ओके okay, तो ये था आपके टेस्ट पेपर सीरीज टू के सॉल्यूशंस आई होप आप सब ने अपने सॉल्यूशंस कर लिए होंगे चेक और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप सब ने करे भी होंगे सही ओके हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड जो लाने हैं आपको ओके okay? अब एक इंपॉर्टेंट सूचना है आप सबके लिए वो ये है कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन के वीडियोज देखने होते हैं टीचर्स के या पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट के तो चिल्ड्रन क्या करना है आपको जाना है गूगल क्रोम में और लिखना है डब्ल्यू

उसको रन कर लीजिए और अपना चैप्टर पढ़ लीजिए ओके ऑल्सो अगर आपके फ्रेंड्स या कोई भी रिश्तेदार रिलेटिव हिंदी में पढ़ना चाहते हैं okay? ओके उनको सब कुछ सारा सिलेबस उनका हिंदी में है और वो हिंदी में कंफर्टेबल है और अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिए मैगनेट ब्रिंस का हिंदी चैनल भी हो गया है स्टार्ट ओके okay? आपको मैग्नेट ब्रिंस हिंदी का चैनल जाना है और वहां पर उसको सब्सक्राइब करना है और यहां पर उसको बेलाइकन में बटन में दब, बटन दबाना है ओके okay? और आपका हिंदी वाला भी चैनल शुरू हो जाएगा फिर कोई भी वीडियोज अगर हिंदी इसमें रिलीज हो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा तो प्लीज आप खुद भी अगर पढ़ना चाहते हैं और या फिर कोई पढ़ना चाहता है तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा बच्चों ओके okay? सो so, ये था हमारा टेस्ट पेपर टू का सोल्यूशन हमारा टेस्ट पेपर थ्री का सोल्यूशन भी आएगा जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ क्योंकि मैग्नेट ब्रेन देता है फ्री वीडियोस और फ्री एजुकेशन। तब तक के लिए ख्याल रखो बाय बाय